हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना साहिल महाजन। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विंग्स टू फ्लाई साहिल महाजन। होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को अच्छी तरह से देख रहे होंगे। गाइस, आज जो हम अपना टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा टॉपिक है जी परसेंटेज का, जिसमें हम परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक पार्ट देखेंगे कि परसेंटेज को हम अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसको बेसिक को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो हमारे एप्टीट्यूड है, जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, उसमें छोटे पेपर्स हैं जैसे क्लरिकल लेवल के पेपर्स हैं, उसमें परसेंटेज बेस क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो उस केस में हमें परसेंटेज कैलकुलेशंस को फास्ट करना बहुत ज़रूरी है ना। अगर जितना कैलकुलेशंस हमारा फास्ट होगा उतने इजीली हम सम को अप्रोच कर पाएंगे और उतनी जल्दी हमारा सम सॉल्व हो पाएगा। उन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल्स लेके मैं परसेंटेज के आज शुरू करूँगा। जैसे परसेंटेज में हम देखेंगे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा फ्रैक्शंस का रहेगा, है ना, कि अगर परसेंटेज गिवन है तो उसको उनके फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं, राइट। अगर हम बोलते हैं वन है तो वन क्या है, वन अपने आप में क्या है, 100% है ना। परसेंटेज का मीनिंग क्या है कि जिसके फ्रैक्शन में हम 100 लगा दें, या जैसे कोई भी चीज़ है वन के नीचे मैं 100 लिख दूँ तो उसको क्या बन जाता जी, हमारा 1% बन गया, है ना। किसी भी चीज़ के नीचे, दो के नीचे लगा देंगे 100, तो मीन्स जिस भी फ्रैक्शन के नीचे हम 100 लगा देंगे नंबर के नीचे, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो परसेंटेज, राइट। अब इसी परसेंटेज के जो फ्रैक्शंस हैं उनको देखने के हमने सॉल्व कैसे करना है, राइट। अब जैसे 100% है, 100% को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि 100 के नीचे हम 100 लिख देंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1, ठीक है। सेम वे जैसे ये 100% है, अब इसका क्या करूँ, मैं हाफ करता जाऊँगा, राइट। 100 का मैंने क्या किया, हाफ किया 50%, तो 50% इसका भी हाफ करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया, 1/2। सेम वे 25% करूंगा, इसका हाफ किया, इस वे से गाइस जब मैं इसको फॉलो करूंगा तो इसका भी हाफ किया, कितना आ गया जी, 1/4, राइट। अगर इसका हाफ करता हूँ, 25% का हाफ कितना हुआ, 12.5%, तो इसका भी कितना हुआ जी, हाफ, 1/8, राइट। अगर इसका मैं फर्दर हाफ करता हूँ 6.25, तो ये कितना बन जाएगा जी, 1/16, ठीक है गाइस। ये कुछ थे हमारे जो बिल्कुल सिंपल रेंज के थे, ये चीजें। अच्छा, आगे हम देखते हैं, जैसे जैसे इसको हाफ करते जाएंगे वैसे वैसे ये भी हमारा हाफ होता जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 1/3 है, 1/3 को हम क्या लिखते हैं ना, 1/3 पार्ट हुआ, 1/3 मीन्स 33 1/3% बोलते हैं उसको, कि 33 1/3% है, या इसको क्या लिखे, जैसे लिखते हैं 100/3%, सॉरी 1/3 है ना, 100/3 हो गया, 100/3 कितना बन जाए, अगर इसकी फ्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा, 33 1/3%, तो 33 1/3 कितना हुआ, अगर इस परसेंटेज को हटाओगे नीचे तो कितना आ जाएगा, 100/300, है ना, 100/300 कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 1/3, यही चीज़ आ गई ना, ये वाली। सो इट मीन्स 33 1/3% कितना हुआ, 1/3। अच्छा, अगर इसको डबल करते हैं, मीन्स डबल है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 2/3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी जी, 66 2/3%। गाइस, ये तीन चीज़ें याद रखनी है कि अगर 1/3 तो पता ही हमें 33 1/3% हुआ, अगर इसका डबल करेंगे तो इसके साथ सब जगह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 33 को कितना आ गया, 66, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 2/3। सो 2/3 का कितना हुआ, 66 2/3, अगर इसका हाफ करते हैं, 1/3 का हाफ करेंगे, राइट, 1/3 का हाफ कितना किया, 1/2, कितना आ गया जी, 1/6, अगर 1/6 कितना आएगा, तो जैसे ये कितना था, 33 का हाफ करोगे कितना आएगा जी, 16 2, तो ये कितना आएगा, 16 2/3, राइट। ये तीन चीज़ें हमें याद, मैं नीचे सिंपल लिख देता हूँ, अगर 1/3 है तो 33 1/3% हो गया, अगर इसका डबल करेंगे 2/3 तो कितना आ जाएगा जी, 66 2/3, अगर इसका हाफ करेंगे 1/6 तो कितना आ जाएगा जी, 16 2/3%, ठीक है गाइस। एक ये कमांड होगी हमारी, ये हमें पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं अपना 1/9, राइट। अच्छा, 1/9 है जी हमारा, अब 1/9 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा जी, 11 1/9%, राइट, क्योंकि 9 × 11 करेंगे तो 99 99 प्लस 1 100/9 100/9/100 आ जाएगा,
कितना आएगा जी 1/9, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11.11%, ठीक है। तो ये इसी चीज का एक रेसिप्रोकल बताऊंगा, इसको हम कंपेयर करेंगे 1/11 से। तो अगर 1/11 करेंगे तो 9 1/11% आएगा। देखो 1/9 करोगे तो 1/9 एज इट इज लिख के आगे 11 लिखोगे, अगर 1/11 आएगा तो 1/11 एज इट इज लिख के 9 आगे लिखोगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम कितने 9.09% करेंगे, ठीक है। ये फंडे क्लियर करने जी अपने बहुत जरूरी। अगर 9.09% दिया हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/11, अगर 11.11% दिया हुआ तो कितनी आएगी उसकी वैल्यू 1/9, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सेम इसी के ही नहीं के ही फर्दर क्वेश्चन रहेंगे, जैसे 1/11 है हमारा, है ना, 1/11 कितना हुआ 9 1/11, अगर इसका मैं डबल करता हूँ, डबल कितना है इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हुआ 2/11, 2/11 की वैल्यू मीन्स इसको भी डबल करना पड़ेगा, इसको डबल करूंगा 2 9 18 2 1 2 18, 2/11 आ गया परसेंट, राइट। अगर इसको मैं ट्रिपल करता हूँ 3/11 करता हूँ, है ना, तो ये कितना आएगा 3 को इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 1/9/11, 3 9 27, 3 1 3, ठीक है। सेम वे अगर 5 आएगा 5/11 करोगे, 4 आएगा 4/11 करोगे, राइट। अच्छा एक और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे इसमें 4 by 11 है तो 4/11 क्या होगा 4 × 9 1/11, 4 9 36, 4 1 4, ठीक है। सेम इस वजह से ये आ जाएगा, ये हमारा 1/11 का सीरीज हो गया, ये हमारा 1/9 सीरीज हो गया, ठीक है गाइस। ये कुछ बेसिक थे जो हमें पता होने चीज़ें जरूरी है, ठीक है। 100% क्या हुआ 1, 50% कितना हुआ हाफ, आगे फर्दर इसका हाफ करते जाएंगे। इसको मैंने इसीलिए फ्रैक्शंस में सब जगह सब क्यों तोड़ा है, ताकि यही मेन जो फ्रैक्शंस है जो हमें याद करनी होती है, याद क्या एक बार आप इनको रिवाइज करोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएंगे इनकी वैल्यूज क्या क्या है, राइट। अगर इसका हाफ 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 करते जाओगे तो 1 से शुरू हो जाओ, इनका हाफ ये आ जाएगा 1/9, और 1/11 का आपको पता ही चल गया, ठीक है। और 1/3 का आपको पता है 33 1/3%, और इसका हाफ करोगे तो ये हाफ आ जाएगा, इसका डबल करोगे तो डबल हो जाएगा। सेम वे 1/11 है, इसको जैसे जैसे इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे वैसे वैसे वो क्या होगा मल्टीप्लाई होता जाएगा। कुछ और टाइप लाइक वो देखते हैं, अब जैसे एक और है 1/7, है ना, तो 1/7 क्या होता है 14 2/7%, ये याद होना चाहिए, ये आपको पता ही रहना चाहिए, ठीक है ना। सो ऐसे ये चीजें सारी जो आपको याद रहनी चाहिए, अगर 1/7 है 14 2/7%, अगर इसका 2/7 करूंगा मैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 28, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 22 4/7%, मीन्स इसको जैसे जैसे इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे वैसे वैसे वो आगे मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है गाइस। ओके कुछ और जो सिंपल है वो हमें पता ही है कि जैसे 100% कितना है 1 है, ठीक है, तो इसका अगर 1/5 करोगे तो कितना आएगा जी 20% आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करेंगे तो ये ऐसे ही आता रहेगा, 2/5 कितना हुआ जी 40% हो गया, ठीक है ना, 3/5 कितना हुआ 60% हो गया, 4/5 कितना हुआ जी 80% हो गया, अगर 5/5 आ जाएगा तो पूरा ही क्या हो जाएगा 100%, क्योंकि 1 आ गया, 1 किसके इक्वल होगा जी 100% के। ये गाइस ये थी बिल्कुल बेसिक जो था परसेंटेज का, कि जिसमें हमें फ्रैक्शंस पता होनी बहुत जरूरी, कि हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ताकि जो हमारे आगे परसेंटेज के सम्स करेंगे हम उनको देखेंगे हम फिर कैसे ये अप्लाई करके उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस। गाइस एक चीज है, जैसे 1/7 को हमने लिखा है 14 2/7%, राइट, इसको हम और क्या लिख सकते हैं 1/7 को, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको परसेंटेज पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जैसे 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं 14.28%, राइट, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे 1/7 को 14 2/7%,
और 1/7 को पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 14.28%। जैसे हमने 1/6 को लिखा था 16.23%, राइट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16.66%, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर में ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि 16.66% की वैल्यू कितनी है, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा एक एग्जांपल देखते हैं हम इसमें। सपोज कोई पूछता है आपसे व्हाट इज 33.33% ऑफ 60, राइट, व्हाट इज 33.33% ऑफ 60। अब 33.33% आपको पता है क्या होता है कि 33.33% मींस 33 वन बाय थ्री, उसकी वैल्यू कितनी हुई 1/3। आपको यहां परसेंटेज से पॉइंट 100 नीचे लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आपको मैंने परसेंटेज बताया हुआ है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो आपको याद होना चाहिए 33.33% की वैल्यू कहती है 1/3। 1/3 हो उसको 60 से करेंगे आप तो सिंपल आ गया 20 इज योर आंसर, ठीक है। ये है परसेंटेज टू फ्रैक्शन की पावर। देखिए कितनी जल्दी हमारा सेकंड्स में जो है सम सॉल्व हो गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14.28% ऑफ 350, राइट, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो इसमें देखिए 14.28% है, 14.28% ऑफ 350। अब 14.38% है, 28% है, हमें इसकी वैल्यू पता है क्या होती है 1/7 इसकी फ्रैक्शन, राइट। अगर हमें इसकी फ्रैक्शन ना पता हो तो हम इसको क्या करेंगे, 14.28 पॉइंट का नीचे 100 लगाओगे, फिर परसेंटेज का 100 लगाओगे, फिर इसको 350 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कैंसिल करते बैठ जाओगे, तो हमें डायरेक्ट पता है कि 14.28% की वैल्यू क्या होती है 1/7। 1/7 को मल्टीप्लाई कर दो 350 से, तो ये कट गया कितना आ गया जी 50 इज योर आंसर, ठीक है। दिस इज द रियल पावर ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज और फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज। देखिए आपके सब सेकंड्स में सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखो गाइस क्वेश्चन है हमारा 22.22% ऑफ 360। अब जिस बंदे को फ्रैक्शंस का नहीं पता हो तो वो इसको कैसे करेगा ना, 22.22% को क्या करेगा, वो नीचे इसके क्या करेगा पॉइंट हटाता फिरेगा, पहले पॉइंट के 100 लगाए, फिर परसेंटेज के 100 लगाए, फिर 360 से वो क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। बट हमें क्या जरूरत है इसको मल्टीप्लाई करने की, हम तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे ना। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये 22.22% क्या है, 2 इंटू, इसको हम छोड़ देते हैं, 2 इंटू 11.11%, यही हुई ना इसकी वैल्यू, कि अगर 2 को 11.11 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू बन जाएगी 22.2% ऑफ 36, ओके। 11.11% इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/9, इंटू कितना आ गया जी 360, बस इसको सॉल्व कर दीजिए 9 4 36, 40 into 2 80 इज योर आंसर। देखिए कितनी जल्दी हमारा सम सॉल्व हो गया। बस हमें कुछ ट्रिक्स ढूंढने पड़ेंगे, जैसे 22.22 है तो ये हमें पता है कि 2 के मल्टीपल पे 11.11 है, तो 11.11% कितना होता है 1/9, तो इसको सॉल्व कर दिया हमने। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16.66% है। अब 16.66% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितनी होती है जी 1/6, तो अगर 1/6 को 660 से मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना आ गया जी 110 इज योर आंसर। देखिए फ्रैक्शंस में कितनी जल्दी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके आंसर आ रहे हैं। होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हुई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।